अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वुड इन वर्ल्ड। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सऊदी अरब में डोर को कैसे इंस्टॉल करते हैं। डोर को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम फ्रेम को 45 डिग्री में स्क्रू गन के साथ बनाएंगे। फ्रेम को बनाने के बाद हम डोर में हैंजस लगाएंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि डोर में हैंजस लगाने से पहले डोर में होल किए जाते हैं। होल करने के बाद डोर में हैंजस लगाएंगे। डोर में हैंजस लगाने के बाद फ्रेम को इंस्टॉल करेंगे। फ्रेम को इंस्टॉल करने के बाद फ्रेम की एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट करने के बाद डोर को फ्रेम के साथ इंस्टॉल करेंगे। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि डोर में पहले होल किए गए, वैसे सेम ही पहले फ्रेम में होल करेंगे। होल करने के बाद डोर को फ्रेम के साथ इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद डोर और फ्रेम की एडजस्टमेंट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फ्रेम के आउटसाइड में जो डिस्टेंस है उसमें हम फॉर्म यूज़ करेंगे। सऊदी अरब में डोर को इंस्टॉल करने के लिए फॉर्म को यूज़ किया जाता है। फॉर्म को फ्रेम के आउटसाइड में और इनसाइड में दोनों में हम फॉर्म को यूज़ करेंगे। मैक्सिमम डोर को 3 घंटे के लिए क्लोज़ कर देंगे और उसके बाद हम फ्रेम में आर्किटेक्ट को इंस्टॉल करेंगे। आर्किटेक्ट को इंस्टॉल करने के लिए आप वीडियो में देख सकते हैं कि 45 डिग्री में आर्किटेक्ट को कटिंग किया जाएगा। जो डोर के आउटसाइड और इनसाइड की आर्किटेक्ट को कटिंग करने के बाद सिलिकॉन के साथ डोर की आर्किटेक्ट को लगाया जाएगा। आर्किटेक्ट को सिलिकॉन लगा के इंस्टॉल करेंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि आर्किटेक्ट, डोर और फ्रेम हमारा इंस्टॉल हो चुका है। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को